हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन यू आर हियर विद द मैथमेटिक्स क्लास। ठीक है ना, यहाँ पे आज हम इंटीग्रेशन का कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस में भी हमने इंटीग्रेशन के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, आज कुछ नया देखेंगे जहाँ पे हमें कुछ स्पेशल केसेस में सब्सटीट्यूशंस देखना है। ठीक है ना, स्पेशल केसेस के सब्सटीट्यूशंस यानी क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, तो आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है। इसके पहले भी हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड हो गया है, वो थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा सा अलग है, ज़रा इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यदि आपके पास कुछ क्वेश्चन मिलता है इस टाइप का, a माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स, या अंडर रूट में a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, इस टाइप का यदि क्वेश्चन मिलता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। सिमिलर केस में यदि आपको सिमिलर पैटर्न में लेकिन स्क्वायर का फॉर्मेट मिलता है, a माइनस एक्स मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सिमिलर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या किया है मैंने, कुछ नहीं। ठीक है ना, ये जो दोनों है, एक बार ऊपर में माइनस एक बार ऊपर में प्लस है, यहाँ पे नॉन स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायरिंग टर्म्स है, ये सेकंड केस हो गया। इस केस में इमेज इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो उसके बाद देख लो थोड़ा सा। ठीक है, सो थर्ड देखो क्या होने वाला है इसमें। और एक केस आपके पास बनता है जहाँ पे आपको a माइनस एक्स अपॉन नीचे में सिर्फ x दिखे, आई बात ध्यान में, या यहाँ पे प्लस माइनस एक ही जगह पे कर सकता था लेकिन फिर मैंने अलग अलग किया, चलो कोई बात नहीं, या a प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय x यदि मिलता है इस केस में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये सब बातें आज हम हमारे क्लास में पढ़ने वाले हैं। आने बात ध्यान में, एक चीज सेकेंड कंसेप्ट और ये थर्ड, अभी और रखो इसको, या फिर इसको चौथे भी आप ले सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्लस है तो थोड़ा सा अलग चलेगा, इसको आप फोर्थ बना लो। ठीक है ना, फोर्थ बनाएंगे तो ये बन जाएगा भाई a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। आ रही बात समझ में सबके, यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं, दिख रहा है सबको, हाँ यदि आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दिखते हैं उस केस में आपको क्या करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये सब बात हम यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जस्ट इसको एक बार देख लो, एक बार देख लो। ठीक है, हाँ तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, जब कभी भी आपको नॉन स्क्वायर टर्म्स, नॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसा रूट में इस टाइप का पैटर्न मिलेगा, उस केस में आपको सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल्स टू a कॉस टू टीटा। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल्स टू a कॉस टू टीटा। इस केस में जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस टू टीटा। यहाँ पे कॉस टू टीटा भी चलेगा, साइन टू टीटा भी चलेगा, देखो ध्यान में, हाँ यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस टू टीटा। इस केस में देखो a माइनस एक्स अपॉन एक्स है, इस टाइप के यदि क्वेश्चन मिलते हैं ये, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको x इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स है तो साइन x इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर टीटा। यहाँ पे स्क्वायर, वहाँ पे टू टीटा, ध्यान में रखना डिफरेंस। इस केस में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे प्लस है, a प्लस एक्स है तो x इज इक्वल टू आपको सब्स्टिट्यूट करना है a टाइम्स ऑफ टैन स्क्वायर। यहाँ पे साइन स्क्वायर भी चलेगा या a टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर चलेगा, यहाँ पे a टैन चलेगा या a टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा भी चलने वाला है। अरे बात ध्यान में, तो यहाँ पे ये सब सब्स्टिट्यूशंस आपको पुट करने पड़ेंगे यदि आपको क्वेश्चन इस टाइप के मिलते हैं तो। ओके, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन बता दिया, अब हम इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाए और ये जो पैटर्न हमने अभी स्टडी किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से देख लो, हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक में से। ठीक है, ओके ये ठीक से पढ़ लो इसे, जैसे यहाँ पे हमने साइन कॉस टैन कॉट किया, यहाँ पे भी कॉस साइन ले सकते हो, कुछ इशू नहीं है। ओके हाँ, तो चलो हम हमारा क्वेश्चन लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप आप डाल दो, वहाँ पे ये पैटर्न्स लिखो और वहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं, देख लो कौन सा ले सकते हो, बहुत है ये, थोड़ा सा सिंपल से स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, इंटीग्रेट, क्या इंटीग्रेशन पढ़ रहे, दिख रहा है सबको क्वेश्चन,
तो इसको किस तरीके सॉल्व करें, देखो इसको देखने के बाद आपके दिमाग में लाइट लग रहा होगा कि ये जो पैटर्न है वो हमारा जो हमने फर्स्ट पैटर्न स्टडी किया था कॉस थीटा का पैटर्न वहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल में पुट कर लूँगा, क्या पुट करूँगा यहाँ पे, मैं करूँगा यहाँ पे पुट, बोलो x इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ कॉस टू थीटा। ओके, यदि मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा पुट करता हूँ तो क्वेश्चन देखो क्या बन जाएगा, देयर फॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ ए एज इट इज माइनस ए टाइम्स ऑफ कॉस थीटा होल डिवाइड बाय ए, सॉरी ऊपर में प्लस है, माइनस एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। अरे बात ध्यान में, ठीक है, जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे उस केस में देखो क्या बन जाएगा, और यहाँ से ए और ए कॉमन निकल गया, अंडर रूट में ही ए कॉमन बचा यहाँ पे वन प्लस कॉस टू थीटा, नीचे में भी यहाँ से ए कॉमन बच्चा अंडर रूट में क्या बचा बोलो वन माइनस कॉस टू थीटा। अब सभी को मालूम है ये वाला कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट के अंडर रूट में रखूँगा, ठीक है, वन प्लस कॉस टू थीटा हमने हमारे प्रीवियस में डिस्कस किया, बहुत बार डिस्कस किया है कि ये जो फॉर्मूले दो बड़े इंपॉर्टेंट है, वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, टू टाइम्स ऑफ बोलो कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरीके से ठीक है ना, वन माइनस कॉस टू थीटा ये होता है टू टाइम्स ऑफ बोलो साइन स्क्वायर थीटा। फिर से वही बात, ए टू कैंसिल, अब देखो यहाँ पे होल रूट है, दोनों को होल स्क्वायर है तो मैं इंडिविजुअली कैंसिल कर सकता, सेपरेटली करो आप कैसे भी करो, कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा का होल स्क्वायर, आगे नहीं लॉज ऑफ इंडेसेस बेसिक मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे ये स्क्वायर इस रूट के साथ कट जाएगा, मेरे पास क्या बचा, इंटीग्रल कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन यानी कौन होता है भैया, कॉट टीटा, यहाँ पे मैंने टीटा कर दिया, टीटा था क्या, हाँ हमने टीटा पुट किया, ओके ना, हाँ बैक सब्स्टिट्यूट के लिए यहाँ पे ध्यान में रखो, x इज इक्वल्स टू ए कॉस टू थीटा, देयर फोर स्टेप वाइज जाता बाद में, कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय ए, ठीक है ना, देयर फोर एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू कॉस टू थीटा, मुझे थीटा चाहिए, ठीक है ना, देयर फोर टू थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, देयर फोर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए इक्वल्स टू थीटा, मुझे क्या चाहिए सिर्फ थीटा, देयर फोर थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा ये, वन बाय ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू थीटा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये ठीक है, हाँ हम बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आपका हमारे पास dx था, ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, हम अभी हम कैसे कि हमने बगल में इसके डिफ्रेंशिएट नहीं किया, यहाँ पे जो हमने dx होता है ना dx को इन टर्म्स ऑफ डी थीटा, देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इसको आपको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा, यहाँ पे दो चीज़ें करनी पड़ती है हमेशा, इसके पहले भी जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टडी किया वहाँ पे भी आपने देखा था कि एक बार आपको बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए थीटा का वैल्यू निकाल के रखना पड़ता है और एज वेल एज dx के लिए डी थीटा भी आपके पास अवेलेबल होना, ओके हाँ, तो देख लो यहाँ पे यही से डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा अलग पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझने की कोशिश कीजिए इसकी बारे में, डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स या विद रिस्पेक्ट टू टीटा ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, देयरफॉर ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है तो भाई ए एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस टीटा क्या होता है माइनस ऑफ साइन टू टीटा इंटू डी डी एक्स ऑफ टू टीटा टू, ओके देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू ए साइन टू टीटा डी टीटा, ये आपके पास निकल के आ गया डी एक्स का वैल्यू, ये जो डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, डी एक्स था ना वहाँ पे हमें ये वाला पूरा का पूरा लिखना है, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये कॉस टीटा यहाँ पे डी एक्स की जगह पे यहाँ पे ये क्या बन गया होता है, यहाँ पे बोलो रूट के बाहर में माइनस ऑफ टू ए साइन टू टीटा डी टीटा, ये बन गया भैया कॉट, ठीक है ना, ये माइनस टू ए कॉन्स्टेंट है, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, हाँ तो इसमें आप अभी इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर हाँ इसको भी मैं कॉट नहीं लिखता, अब इसको मैं क्या लिखूँगा बोलो कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा, ये माइनस ट्वाइस से कॉन्स्टेंट है ना तो मैं माइनस ट्वाइस को बाहर लिखता हूँ, माइनस ट्वाइस से बाहर दिख रहा है क्या, माइनस ट्वाइस से बाहर, ठीक है, ये बचा क्या साइन टू टीटा डी टीटा, साइन टू टीटा को मैं क्या लिख सकता, फिर से टू टाइम्स ऑफ साइन टीटा इंटू कॉस टीटा, अब यहाँ से ये साइन टीटा कैंसिल बन जाएगा डी टीटा, अब ये कॉस टीटा इंटू कॉस टीटा टू फिर से कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा,
तो एक टू की जगह पे क्या आ जाएगा, मैं इधर में लिख रहा हूँ, ठीक है, टू की जगह पे क्या आ जाएगा बोलो, ये बन जाएगा माइनस ऑफ, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4a इंटू इंटीग्रल ऑफ बोलो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई बात ध्यान में, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और उस वक्त जब हमने बेसिक ऑफ इंटीग्रेशंस पढ़े थे या फिर डेरिवेशन के वक्त भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन निकालना है या साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेशन निकालना है, इन दो क्वेश्चंस में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। यही क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में होता तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर दिए होते टू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लेकिन ये क्वेश्चन जब इंटीग्रेशन के लिए आते तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था और आज भी बता रहा कि ध्यान में रखना है, बिल्कुल ही कन्फ्यूज नहीं होना है और एक्साइटमेंट में नहीं जाना है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा को हमें लिखना है इस फॉर्म में जिसका इंटीग्रेशन हम निकाल पाएँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा का जो पैटर्न है यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है, देखो देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको फिर से हमें उस फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। वो देखो कैसा हो जाता है, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा, ठीक है ना। सिंस 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, मेरे पास सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा है, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान में रखना जब कभी भी आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है और उसमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं तो उस केस में, हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्ट एक्चुअली, हाँ हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, ठीक है, समझ गया। ये यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ये बन जाएगा भाई माइनस ऑफ 4a इंटीग्रल, ये भी फिर से 1 बाय 2 है तो मैं 1 बाय 2 का 2 डायरेक्ट बाहर निकालता, ये लिखता मैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, इसका आंसर ये फिर से कैंसिल कैंसिल करके माइनस ऑफ ट्वाइस है, हाँ इसको सेपरेट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये देखो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा माइनस ट्वाइस है, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा क्या बन जाएगा थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा क्या बन जाएगा बोलो साइन 2 थीटा होल डिवाइड बाय 2, ओके। और यहाँ पे आखिर में लग जाएगा हमारे पास प्लस सी, सही बात है, हाँ। तो अभी आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो क्रॉसिंग में या फिर थीटा का वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट भी आप कर सकते हो, ठीक है, हाँ। यदि मल्टीप्लाई करते हो तो होल कॉमन में 2 निकल जाएगा, तो माइनस ट्वाइस ए बाय 2 टू थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस सी, ये फिर से 2 कैंसिल, थीटा का जो वैल्यू है वो आपको बैक सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट इज थीटा, थीटा इज नथिंग बट हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाय ए, अरे भाई धन में, तो वहाँ पे आप थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वो आपका फाइनल आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देख लो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ओके, सब जन देख लो आप कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेते हैं, क्वेश्चन बैंक से इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा लेते हैं, कौन सा भाई लो, ये वाला ले लो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है, इस क्वेश्चन को ले लो और इसको हम अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो बोलो क्या कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया नहीं हमको कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जगह पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं। इसके पहले भी जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पढ़े थे उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखते जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, जहाँ पे वेरिएबल और कॉन्स्टेंट मीन्स एक्स और ए ही दिया है, उस केस में थोड़ा सा इन्वर्स वाले जो पैटर्न है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूलेज हैं डेरिवेटिव्स के बोलो या किसी के भी बोलो, उस केस में आपको देखना है कि हमारे पास कोई भी इन्वर्स पैटर्न में पहले एक्स स्क्वायर और बाद में ए स्क्वायर किस चीज़ के लिए है, तो शायद से सेक और कोसेक के लिए। आ रही बात ध्यान में, सेक इन्वर्स डेरिवेटिव ऑफ सेक इन्वर्स एक्स वन अपॉन मालूम है ना एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बोलो या ए स्क्वायर बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है पहले, तो हमारे पास यहाँ पे पुट करना पड़ेगा सेक थीटा, तो हमें पुट करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में हम डायरेक्ट लिख रहा है यहाँ पे पुट करूंगा मैं x इज इक्वल्स टू ए
सेक थीटा। अब आपकी मर्जी एक्स स्क्वायर दोनों है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा करो या एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा रखो, यही सफिशियंट है। ठीक है, तो बगल बगल में पूरा ही सॉल्व करना है क्योंकि हमें डेरेटिव भी निकालना पड़ेगा एज वेल एज थीटा का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो देयर फोर डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए डेरेटिव ऑफ सेक एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या है, क्या डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इंटू डेट ऑफ टेन एक्स स्क्वायर थीटा, डेट ऑफ सेक थीटा सेक्टीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो देयर फोर स्टेट वेट डी एक्स इज इक्वल टू थीटा उधर जाएगा ए टाइम्स ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है ना, हाँ। उसके बाद यही से हम निकाल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू, देयर फोर थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखूँ देयर फोर थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले ए को इधर लेके आओ एक्स बाय ए, सेक को इन्वर्स में लेकर जाते, ये बन जाएगा भाई मेरे पास सेक इन्वर्स ऑफ एक्स बाय ए। ठीक है ना, इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखना है और ये चीज़ें आपको डायरेक्टली भी करती आनी चाहिए। हाँ, अभी हम जाएंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ, यहाँ से सॉल्व करना चालू करेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, हाँ आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के जगह मुझे क्या करना है, ए है तो ए स्क्वायर, सेक है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो भैया मुझे ए स्क्वायर एज इट इज रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो नीचे का एक्स है वो रूट के अंदर नहीं है, रूट के बाहर है। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा सिर्फ ऑफ ए ऑफ सेक टीटा डी टीटा। अब देखो डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स क्या बन जाएगा, देखो लास्ट टाइम मैंने नहीं लिखा था, डायरेक्टली नीचे लिखा था, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ ए टाइम्स ऑफ सेक टीटा इंटू टेन टीटा डी टीटा। अब यहाँ से भी आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हो ए सेक टीटा ए सेक टीटा, कोई भी इशू नहीं है, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो आपकी मर्जी। यहाँ से देखो ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, रूट के बाहर आएगा ए कॉमन निकलेगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए, समझ गए ना, यहाँ से स्क्वायर कॉमन और रूट के बाहर एज ए बन के निकलेंगे। यहाँ पे क्या बचा देख लो, यहाँ पे बच गया मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बचा। ठीक है, नीचे में करते तो कैंसिल बन गया और इनटू में बचा है मेरे पास यहाँ पे टेन थीटा इनटू डी थीटा। अब सिंपल सा कंसेप्ट, फिर से वही बात, यदि मैं यहाँ पे बाहर भी निकाल तो भी चलेगा, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है बोलो, सबको मालूम है क्या, सिंस वन प्लस, बोलो बोलो जी, वन प्लस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर टीटा, देयर फॉर उधर वन चला गया मीन सेक स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर टीटा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर टीटा इंटू ये बन जाएगा जी टेन टीटा, ये बन जाएगा डी टीटा। देयर फॉर ए इंटीग्रल रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, टेन टीटा इंटू टेन टीटा, ये फिर से क्या बन गया आपके पास जी टेन स्क्वायर टीटा डी टीटा। अभी देखो डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर टीटा करोगे क्या, आपको इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल है क्या, है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको ऐसे फॉर्मेट में जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, आई बात है हमें डेरिवेटिव ऑफ डीडीएक्स ऑफ टेन एक्स क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा क्या है, डीडीएक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने शायद से किया था या नहीं किया, नहीं यहाँ पे नहीं, सेक का किया है। मुझे क्या करना पड़ेगा टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने के लिए, टेन स्क्वायर मैं कैसे लिख पाऊंगा, देखो इसके प्रीवियस में भी जब हमने बेसिक इंटीग्रेशन लिए थे उस केस में भी हमने बताया था कि यदि आपके पास टेन स्क्वायर का पैटर्न आता है तो आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे टेन स्क्वायर को हमेशा स्प्लिट करना पड़ेगा। बोलो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से वही बात सेक स्क्वायर टीटा माइनस वन डी टीटा। ओके, हाँ तो भाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, तो बैक्स में चला जाएगा, देयरफॉर ए सेपरेटली कर लूंगा मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टीटा डी टीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टीटा। ओके, तो इफ यू वांट इस साइड में सॉल्व करो, ये भी मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे कि हाँ, तो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू ए एज इट इज इंटीग्रल, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टीटा डी टीटा क्या है बोलो टेन टीटा माइनस टीटा। ओके टीटा, ओके हाँ हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला जो स्टेप है ना इसके बाद वाला जहाँ पे हम टीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन के वक्त थोड़ी सी बच्चों को दिक्कतें जाती हैं। तो भैया ये ए एज इट इज, हाँ अब देखो टीटा का वैल्यू है तो यहाँ पे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लेता माइनस ऑफ सेक इनवर्स एक्स बाय ए, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास है टैन थीटा, अब मेरा काम क्या बनता है यहाँ पे ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं हद तक लाके छोड़ देते, लेकिन वैसा करना नहीं है। फिर बैक सब्स्टिट्यूट करते समय बच्चे क्या करते कि डायरेक्टली टैन को ऐसा कैसा रखते हैं, यहाँ पे थीटा की जगह पे डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा ना करो, ऐसी करने की कोशिश ना करो, इससे अच्छा
दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस टैन को फिर से सेक में कन्वर्ट करो, टैन को फिर से सेक में कन्वर्ट करो। आप कैसा कर सकते हो, तो अभी जो मैंने मिटाया ना उसी के ऊपर से आप कर सकते हो। कैसा देखो कि वन प्लस, या फिर डायरेक्टली लिखूँ, डायरेक्ट लिखता टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन माइनस सेक स्क्वायर टीटा। अरे बात ध्यान में, टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन माइनस सेक स्क्वायर टीटा, टेन चाहिए, देयरफॉर टेन टीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस सेक स्क्वायर टीटा। अरे बात ध्यान में, टेन टीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन माइनस सेक स्क्वायर टीटा। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है कि भैया वन तो वन रहने दो, सेक स्क्वायर टीटा, यहाँ से देखो सेक टीटा है कि नहीं, एक्स बाय ए इक्वल टू सेक थीटा, स्क्वायर करूंगा सेक स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ से जैसा मैंने इसको डायरेक्ट किया, यदि मैं डायरेक्ट नहीं किया तो क्या बन गया होता है, देखो एक्स बाय ए इज इक्वल टू सेक थीटा, फिर थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स बाय, ऐसा किया। लेकिन मैंने उसके प्रीवियस स्टेप यानी ये वाला स्टेप, यदि इसको मैंने स्क्वेयरिंग करूंगा तो क्या बन जाएगा बोलो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हाँ कि नहीं, हो ना, हाँ। तो ए सेक स्क्वायर के जगह पे आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डालना है, यहाँ पे लागू नाम है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही आपका सॉल्यूशन है। अरे बात ध्यान में, यदि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा भैया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय ए। ठीक है, तो मैं टेन थीटा के जगह पे मैं ये वाला वैल्यू पुट कर सकता हूँ, टेन थीटा के जगह पे मैं ये पुट करता हूँ, ये बन जाएगा भैया मेरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए के, और ये प्लस सी, यहाँ पे भी प्लस सी। देख लो भाई, मेरा क्वेश्चन था ए और एक्स के फॉर्मेट में, मेरा आंसर भी निकला है ए और एक्स के फॉर्मेट में। देखो टीटा का निकल गया टीटा वहाँ से, लेकिन ये जो है अभी जो मैंने किया ना, ये वाला आपको हर एक क्वेश्चन में, जैसे इसका प्रीवियस वाला क्वेश्चन था ना, वहाँ पे भी आपको सेम करना पड़ता था, जो भी क्वेश्चन हर क्वेश्चन में आपको सेम करना है कि इसको किस तरीके से लाना है। ध्यान में देखो, ये स्टेप आप यहाँ पे कर सकते हो इफ़ यू वांट, ये स्टेप आप रफ में बगल में करके आंसर भी लिख सकते हो, कुछ भी इशू नहीं है। ठीक है, मैंने समझने के लिए आपको ये सब यहाँ पे लिख के दिया। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, गो थ्रू इट, देख लो अच्छे से क्या करना है और नोट डाउन कर लो। चलो तो ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में से। तो यहाँ पे देखो क्या दिया उन्होंने, दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाय टू। तो बहुत से बच्चे थ्री बाय टू दिया है यार, यहाँ पे रूट भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, बच्चे डर सकते हैं, डरने की बात नहीं है, ये थ्री बाय टू है तो अभी ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिया जिसका सोल्यूशन होंगे भाई। ठीक है ना, तो इनिशियली देख के घबराना नहीं है, जो आपके बेसिक स्टेप्स है, बेसिक कंसेप्ट है, उसी को पकड़ के गाड़ी को आगे बढ़ाओ, बिल्कुल धीरे धीरे आपके एक एक स्टेप्स बिल्कुल बन जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, जैसा पहला का कंसेप्ट था कि भैया स्क्वायर वाला पैटर्न है, ठीक है ना, स्क्वायर वाला पैटर्न है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने कहा था कि जब इस टाइप के कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमेशा आपको इनवर्स वाले पैटर्न ध्यान में रखने कि हमारे पास किस इनवर्स का आंसर क्या होता था। ए माइनस एक्स यानी साइन वाला पैटर्न है, तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है साइन थीटा। मैं पे पुट करूंगा, पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ साइन थीटा। आई बात ध्यान में, एक्स स्क्वायर को भी डाल सकते हैं या फिर एक्स भी डाल सकते हैं, डिफरेंशिएट करूंगे, सो डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ओके, यही से मैं डायरेक्टली ये भी कर सकता कि देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू, दो चीज़ें लिख के रखना पड़ेगा कि भैया साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय ए और थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाय, ये दो चीज़ें आपको पता होना है, कि नीचे एक लिख सकते कि बगल में भी लिख सकते। ठीक है, ये मैंने दो चीज़ें निकाल ली, यहाँ से अब मैं मेरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। तो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एक्स स्क्वायर, एक्स है ए साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ब्रैकेट में ए स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है फिर से वही ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर थ्री बाय टू। भैया डी एक्स था, डी एक्स क्या बन गया मेरे पास, डी एक्स बन गया मेरा ए टाइम्स ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, देखो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल सा कंसेप्ट, जो कॉमन निकलता है वो उसको कॉमन निकालो। हाँ जी, कौन कॉमन निकलेगा यहाँ से, एक ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो भैया मैंने ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, बचा क्या मेरे पास, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, ये ऐसा देता हूँ क्योंकि ये थ्री बाय टू के बाहर नहीं निकला, थ्री बाय टू के अंदर ही है, होल में थ्री बाय टू था, तो ए स्क्वायर भी थ्री बाय टू को छोड़ के नहीं जाएगा, फिलहाल थ्री बाय टू के अंदर है, बात के बाद में देखते क्या होता है। इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये काटना नहीं है भैया, ये इससे बॉन्डेड है, ठीक है ना, तो भैया ये बन जाएगा ए स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय
ये देखो ए स्क्वेयर एट इज वन माइनस साइन स्क्वेयर, बोलो क्या होता है कॉस स्क्वेयर थीटा, ओके। और ये है मेरे पास 3/2, और ये बगल में ऑलरेडी था ए टाइम्स ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे भी ए टाइम्स ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता, मैं इसको क्या कर सकता, होल स्क्वेयर ले सकता, इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाएगा भैया ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। और इसको मैं कैसे लिखता, देखो इसको मैं लिखता ए टाइम्स ऑफ कॉस थीटा उसका स्क्वेयर, ठीक है, देख लो एक बार इसका होल स्क्वेयर, समझ गया ना, लॉज ऑफ इंटरसेस होल टू द पावर 3/2। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जो कि हमने पढ़ा पढ़े थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, ओके बिल्कुल क्लियर होना, ठीक है। अब देखो कितना निकल गया ना, कितना सिंपल बन गया, 3/2 आपको दिख रहा था लेकिन अभी निकल गया वो। अभी देखो ये किस तरीके से सॉल्व होने वाला है ये क्वेश्चन, तो देयर फॉर आई इक्वल्स टू, बगल में लगाया ये चीज़, ए टाइम्स ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, हाँ ये बन जाएगा देयर फॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रल मेरे पास है ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा होल डिवाइड बाय ए कॉस थीटा का होल क्यूब बचा है, नथिंग बट ए क्यूब कॉस क्यूब थीटा, सही है, होल क्यूब दो, या फिर देखो इसके जैसा मैंने होल स्क्वेयर दिया था उसी की तरह होल क्यूब को मैं सेपरेटली क्यूब दे सकता, ए कॉस थीटा डी थीटा ए टाइम्स ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, जो कटता काटो ए स्क्वेयर क्यूब के साथ कट जाएंगे, ए के बचा रहेगा, ए के इसे के साथ कट जाएगा, एक कॉस थीटा इस तीन में से एक के साथ कट जाएगा, बचेगा दो, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा। देखो सिंपल बन गया, साइन बाय कॉस क्या होता है टैन, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ बोलो टैन स्क्वेयर थीटा डी थीटा, सबको मालूम इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा नहीं है, टैन स्क्वेयर थीटा नहीं है तो हमने हमारे प्रीवियस केस में निकाला था टैन स्क्वेयर को हमने कैसा लिखना पड़ेगा बोलो सेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन डी थीटा इंटीग्रेशन, सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर थीटा क्या होता है बोलो टैन थीटा होता है माइनस ए थीटा और ए प्लस सी, बैक सब्स्टिट्यूट करो टैन थीटा है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आने वाले मालूम है क्या, बोलो क्या दिक्कत आएंगी, आपके पास जो पैटर्न अवेलेबल है वो साइन थीटा का पैटर्न अवेलेबल है, आपको क्या मिला टैन थीटा मिला, तो अभी क्या करोगे देख लो थीटा इसका तो टेंशन नहीं है तो बन जाएगा भाई, रही बात टैन थीटा की, अब मुझे क्या करना है टैन थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना है, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है, तो बोलो हाउ कैन यू राइट टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, फटाक से जल्दी से टैन थीटा को हम कैसे लिख सकते बोलो, हम लिखेंगे टैन थीटा को नथिंग बट फिर से रूट ऑफ यही बात सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखेंगे, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखता, मैं इसको एज इट इज रखता, इसको बगल में एक्सप्लेन करता, ठीक है ना, तो आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा हम कैमरा मूव करेंगे हमारा और उस साइड में थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। टैन थीटा को मैं कैसे लिख सकता, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, हाँ जी अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर मीन्स व्हाट, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यदि मैं इसको लिखने जाऊँ तो ये बोलो क्या बन जाएगा, इसको और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही तरीका है, मैं इस तरीके से जा, ठीक है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर इज व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा बोलो क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, अंडर रूट ऑफ वन अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वन, हाँ जी तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, बन जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वन, अरे बात ध्यान में, ठीक है ना, तो अभी अभी आप डायरेक्ट इस ए को ऊपर लेके जाओ इंडिविजुअली में, तो ये क्या बन जाएगा दिख रहा है ना सबको भाई, ये बन जाएगा अंडर रूट में स्पेस में लिखा हूँ इसको, ये बन जाएगा देखो ये ए स्क्वायर ऊपर चला गया, ठीक है ना, तो बन जाएगा भैया ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ये बन जाएगा। इफ़ यू वांट आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर कैंसिल करके उसको सिंपल फॉर्म में रख सकते हो, ठीक है ना,
इसका भी सॉल्यूशन है, बताओ क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिख रहा हूँ आपको, तो इसको यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे निकाल रहा, ठीक है ना, ये खत्म हो गया, इतना समझ गया आपको कैसे लाया, समझ गया ठीक है। अब डायरेक्टली ये स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा, कंटिन्यू कर रहा, देयरफॉर आई इज़ इक्वल टू टैन थीटा कैन बी रिटन एज, बोलो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ओके, माइनस थीटा, व्हाट इज थीटा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये बन गया आपके पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी, ओके, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ये बन जाएंगे अंडर रूट में, ये पहला ए स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस ऑफ ये ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कौन जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये एज इट इज रहेंगे आपके पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है। और फिर से आप देखो क्या कैंसिल होगा, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनल आंसर बन के आना चाहिए, दिख रहा है क्या, हाँ, जो फाइनल आंसर बन के आना चाहिए वो आंसर देखो क्या बन जाएगा, वो आंसर बन जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ सिर्फ एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये रहा आपका फाइनल आंसर आई इक्वल टू। देखो कैसे सॉल्व किया है, मैं पहले ही बता रहा, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है भी आपको डिफिकल्ट भी लगेंगे, लेकिन इसका जो डिफिकल्ट पार्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वो है कि जब फाइनल आंसर आ जाएगा उस वक्त आपको टीटा को फिर से ए और एक्स फॉर्मेट में लाना है, वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है, बहुत बार बच्चे यहाँ पे जाके लटक जाते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान में रखो कि हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, कैसे करना है ध्यान में रखना, ये यही फॉर्मेट में आना चाहिए, जो भी यहाँ पे हमने पुट किया है उसी फॉर्मेट में उसको बैक कन्वर्ट करना है, यहाँ तक मैं आ गया था, या ये वाला मेरा एक स्टेप समझ लो, ठीक है ना, ये वाला, और उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया पूरा, और ये आंसर डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है ना, तो कन्फ्यूज होना नहीं है इसका, ये टैन थीटा ये ऐसा कैसे आया, ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है, देख लो, टैन थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, यहाँ से नीचे में पूरा यहाँ तक आ गया, ओके, समझ गए, हाँ, देख लो एक बार, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, और उसको सॉल्व करो, ओके गाइज। तो ये क्वेश्चन बैंक में का नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल वन अपॉन, देख लो ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल क्यूब, ब्रैकेट को होल क्यूब है कि हाँ इसको होल क्यूब, ठीक है, वही बात प्रीवियस केस वाली, ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली टेंशन लेना नहीं है, डायरेक्टली देखना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है भैया, प्लस है तो दिमाग में बिल्कुल लाइट लग जाना चाहिए फट से, नथिंग बट टैन वाला सब्सटीट्यूशन है, तो हमें क्या पुट करना है, पुट एक्स इज इक्वल्स टू टैन थीटा, क्योंकि ये प्लस में है, ओके, सो उसके बाद ऊपर से स्क्वायर भी है, तो हो सकता है देख लेते हैं हम क्या पुट करेंगे इसमें, ये है हमें पुट करना पड़ेगा, पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ टैन थीटा, देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स ऑफ टैन एक्स सक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसी के ऊपर से हम डायरेक्ट दूसरा भी निकाल सकते हैं, क्या जो मैं हर वक्त बगल में लिखता हूँ, हाँ वो होता है टैन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय ए, थीटा इज इक्वल्स टू बोलो टैन इनवर्स एक्स बाय ए, मेरा क्वेश्चन है वो बन जाएगा आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी एक्स की जगह पर डायरेक्ट मैं लिख लेता, ये ए टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होल क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाय, भैया देखो ए स्क्वायर कॉमन, रूट के बाहर नहीं निकल जाएगा इस बार, ए स्क्वायर कॉमन, ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब, ओके, हाँ, तो इंटीग्रल ये देखो ए टू द पावर इसका देखोगे तो 2/3 वाला पैटर्न है, ठीक है, तो फिलहाल मैं उसका इतना टेंशन नहीं लेता, ये ए टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाय, ये मैं इसको एज इट इज करता अंडर रूट में ए स्क्वायर एज इट इज, वन प्लस टेन स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट सेक स्क्वायर थीटा, और ये बन गया इसका होल क्यूब, आई बात ध्यान में, तो मैं इसको फिर से दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता, तो देख लो ये तरीका ऐसा हो सकता, इंटीग्रेशन ऑफ ये बन गया ए टाइम्स ऑफ
सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा, ये देखो ये देखो ये होल क्यूब है, तो मैं इसको ऐसा 2/3 नहीं लिख सकता क्या? ठीक है, नहीं 2/3 लिख सकता, ठीक है, स्क्वायर और रूट फिर से कैंसिल, 1/3 बन जाएगा। ठीक है, ये मैं इसको देखो कैसे लिखता, ये मैं इसको लिखता हूँ, या फिर आपकी मर्जी इस रूट को 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हो, 3/2, मैंने कहा था ना जो प्रीवियस वाला फॉर्मेट है वहाँ पे 3/2 था, यहाँ पे डायरेक्टली 3 दिया और उसने रूट मार दिया। ठीक है ना, क्वेश्चन जस्ट उसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया। आपकी मर्जी कौन से पैटर्न से जा सकते हो। ये बन जाएगा स्ट्रेट वे ए टाइम्स ऑफ sec थीटा होल टू द पावर 1/3, क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर कंप्लीटली क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अरे बात ध्यान में, नथिंग बट क्यूब रूट बन गया, क्यूब रूट, ओके क्यूब रूट बन गया। हाँ, तो जब ये ऊपर जाएगा तो उस केस में क्या बन के आएगा वो देख लो एक बार। ओके जी, ये क्यूब है, समझ गया ना, ये मैं इसका होल स्क्वायर लिखता बाहर। ठीक है, ये 6 बन जाएगा और ये 1/2, फिर से देखो यहाँ पे क्या होता है, सॉरी 3 नहीं बनेगा, 1/3 नहीं, क्यूब बनेगा। ठीक है ना, ये देख लो, मैं इसको इस तरीके से लिखता ए टाइम्स ऑफ sec थीटा का स्क्वायर, ओके ठीक है ना। और यदि मैं इस रूट को निकालूं, रूट को निकालते हम क्या करते हैं, 1/2 लगाते, ये होता है 3/2, ये 2 कैंसिल, ये डायरेक्टली 3 बन जाएगा, सॉरी मैंने 1/3 लिखा था, 3 बन जाएगा, ओके क्योंकि क्यूब है, दिख रहा है ना सबको, सॉरी हाँ फाइन। ये क्यूब कैसे है मैंने भी आपको बता दिया, देखो बहुत सारे तरीके, कौन से भी एक तरीका आप अपना लो। अब देखो यहाँ पे क्यूब बन गया, तो यहाँ पे देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये बन गया ए टाइम्स ऑफ sec थीटा इसका होल क्यूब, ए टाइम्स ऑफ sec थीटा इसका होल क्यूब, नथिंग बट बन जाएगा भैया ए क्यूब sec क्यूब थीटा डी थीटा। अरे बात ध्यान में, हाँ अब यहाँ से देखो ये एक कट जाएगा इस क्यूब के साथ बचेगा 2, ये sec स्क्वायर कट जाएगा इस 3 के साथ बचेगा 1 sec स्क्वायर, तो ये बन गया भैया 1/ ए स्क्वायर इंटीग्रल, ठीक है ना, इंटीग्रल डबल डबल डी थीटा लिखा, इंटीग्रल डी थीटा अपॉन sec, सॉरी ये sec थीटा, सिर्फ sec थीटा, 1/ से क्या ने कौन बन जाएगा बोलो, cos, तो 1/ ए स्क्वायर इंटीग्रल 1/ sec, क्यों? क्योंकि 1/ cos sec होता है, तो 1/ sec फिर से क्या बन जाएगा, cos, ये बन जाएगा भैया cos थीटा डी थीटा। अरे बात ध्यान में, अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, इंटीग्रेशन ऑफ cos है क्या बोलो, है क्या इंटीग्रेशन ऑफ cos, क्या निकल गया आपको निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या होता है, फटाक से बोलो, साइन थीटा प्लस सी 1/ ए स्क्वायर। अब साइन थीटा मेरे पास फिर से वही बात, टेन थीटा आ गई, मुझे इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन को काय में, टेन में। अब साइन को टेन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हो बोलो, कुछ आइडिया वीडिया है, ठीक है ना, अब आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हो। हम दूसरा एक पैटर्न ट्राई करते हैं इसमें, कि इसमें देखो साइन थीटा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा को हमारे पास जो पैटर्न है लिखने का, टेन को हम साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, ठीक है ना, सो उसको वही पैटर्न में डाल सकते हैं इसमें, साइन थीटा नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ तो कॉस स्क्वायर को फिर से या फिर बेस्ट ऑप्शन है कि हम इसको यही नहीं करेंगे, इसको दूसरा पैटर्न करेंगे, ये तो बन के आ गया आपका, इसको सॉल्व करना साइन, तो मैं इसको लिख सकता 1/ ए स्क्वायर साइन नथिंग बट व्हाट 1/, ठीक है ना, 1/ कोसेक थीटा, बहुत सारे पैटर्न है, अब कोई भी एक अपना लो उसमें से, 1/ कोसेक का, 1/ कोसेक, 1/ कोसेक, कोसेक कैसे लिख सकता मैं, 1/ अंडर रूट ऑफ बोलो, है कि नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्यों, है कि नहीं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, देयर फोर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, मेरे पास कोसेक चाहिए ना, देखो कोसेक इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, स्टेट में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख सकता 1/ ए स्क्वायर 1/ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट एन ए कौन, 1/ टेन, कॉट एन ए कौन,
क्वार्टर स्क्वायर यानी कौन, कॉट यानी वन अपॉन टेन, क्वार्टर स्क्वायर यानी वन अपॉन टेन स्क्वायर, वन अपॉन टेन स्क्वायर नथिंग बट बोलो ए बाय एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला है, कन्फ्यूजिंग इन द सेंस आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएंगी, एक बार में नहीं लगेगा, बहुत सारी बार ऐसे भी होता है कि कभी कभी लॉजिक्स जल्दी से नहीं लगते, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, ऑब्वियसली धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आपका आपका भी हाथ बैठ जाएगा और आप भी इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? हाँ, तो ये बन गया, समझ गया क्या? देखो क्या किया मैंने सर, अब ऑब्वियसली कोई दौर उस दूसरी फैकल्टी और इसको कुछ दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये वाला तरीका अपनाया, साइन थीटा को मैं वन अपॉन कोसेक लिखा, कोसेक को फिर मैंने वन प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास मालूम है वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, सो कॉट स्क्वायर नथिंग बट व्हाट, वन अपॉन टेन, वन अपॉन टेन, वन अपॉन टेन इन वन अपॉन एक्स बाय ए नथिंग बट ए बाय एक्स स्क्वायर करके ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, काम खत्म हो गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो भी करना है वो करो, आपका आंसर निकल गया डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थीटा तो था नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन समान यही आपका फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। अब मैं देखो इसको थोड़ा सा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखता, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, रूट के बाहर निकल जाएगा एक्स, ऊपर जाएगा। ठीक है ना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आई इज इक्वल्स टू ये एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। आपको एक्स चाहिए तो आप एक्स उधर में रख सकते हो। ठीक है, जो आपका फाइनल आंसर है नोट कर लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया ध्यान से देख लो और उसको फटाक से सॉल्व करके रख दो। ठीक है,